हेलो एंड क्या कर रहे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम मैंने जब एससीपी कंटेनमेंट ब्रिज को खेला था तब मैंने इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मैंने इसे वैसे ऐसे ही शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया था। ये गेम फर्स्ट में मुझे बहुत बड़ा लगा था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर जा रहा था, पर अब मुझे पता है मुझे कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। इसलिए आई होप कि ये वाला नया सीरीज़ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये छोटा होगा। मैं नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ बस एक ही रीज़न से, जब मैंने लास्ट टाइम गेम को खेलना छोड़ा था तब से आज तक मुझे कमेंट आते हैं कि एक नए सीरीज़ को या फिर गेम को कंटिन्यू करने के लिए। तो कंटिन्यू तो मैं कर नहीं सकता, तो अभी हमें न्यू सीरीज़ को करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने जिस सीरीज को स्टार्ट किया था उसका नाम था लेट्स प्ले, तो इस सीरीज का भी नाम रखेंगे हम लोग लेट्स प्ले। हमारे पास अभी तीन डिफिकल्टी है, सेफ, यूक्लिड और कीटर। तो तीनों डिफिकल्टी में मेन डिफरेंस है, हम लोग बार बार सेफ नहीं कर सकेंगे अगर हम लोग कीटर डिफिकल्टी में खेलते हैं। इससे भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। जिन लोगों को इससे भी मतलब नहीं पता, सिक्योर कंटेंट प्रोटेक्ट, बहुत ही डेंजरस क्रीचर्स के साथ हम लोग फंस जाएंगे। हम लोग एक डी क्लास प्रिजनर है, मतलब हम लोग कैदी है, पर हम लोग निकलेंगे दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड जगह से विथ एससीपी, मतलब एससीपी के साथ हम लोग नहीं निकलेंगे, एससीपी से बच के हम लोग निकलेंगे। लेट्स सी हमें गेट ए एंडिंग मिलता है या नहीं। ऑलराइट, तो हम लोग अपने जेल के सेल्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा काम है एससीपी 173 को देखना। अगर हम लोग उसके तरफ देख के आँख बंद करते हैं तो लाइटनिंग की स्पीड से हमारे पास आएगा, आने के बाद हमारे गर्दन को मरोड़ देगा। हमारे पास एक आई का बटन है, मतलब हम लोगों को आँख बंद करना पड़ेगा कुछ टाइम टू टाइम, कोई दरवाजे को खोलेगा ताकि हम लोग इस जगह से निकल सके। हम लोग एक कैदी है, मैंने कहा था हमारा कुछ काम होता है इस जगह में, ये स्पेशल टास्क फोर्स है आई गेस, पर हमें बस इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग अभी सामने जा रहे हैं, इन सब सीन्स को दिखाने का कोई फायदा होगा नहीं, ये बस हमारा इंट्रो है। हम लोग जा रहे हैं एक एससीपी के सेल में। यस, तो हम लोग एससीपी 173 के पास जाएंगे, पीनर के पास। यूक्लिड क्लास का ये एससीपी है, हम लोग इससे आँख नहीं हटा सकते। ऑलराइट, तो एक बंदा घर को साफ करेगा और दो बंदे उसके तरफ देखेंगे। ये ऐसे काम करता है, अगर दो बंदे इसके तरफ देखते हैं तो एक बंदा आँख को बंद करेगा। नो थैंक यू, हम लोगों को निकलना पड़ेगा इस जगह को छोड़ के। कौन क्या कह रहा है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं आँख नहीं बंद कर सकता, मुझे बस देखना पड़ेगा इसकी तरफ, वरना ये मेरे गर्दन को मरोड़ देगा एक लाइटनिंग की स्पीड से भी। ओके, लाइट ऑफ हो गया। ऊपर जो गार्ड्स थे वो शायद जा चुके हैं, मेरा मतलब लाइट जा चुका है, मुझे लगा मैं मर चुका हूँ, मैं भूल चुका हूँ एक्चुअली इस गेम को कैसे खेलना था। और बहुत डार्क है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। एक सेकेंड, हाँ मुझे याद है, इस गेम के ब्राइटनेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग खेल सके। गामा को बढ़ाना पड़ेगा, पर हाँ इससे बढ़ाना था, ठीक है, स्क्रीन गामा, तो हम लोगों ने इसे बढ़ा दिया, अब हम लोग देख सकते हैं। एक्चुअली ये गेम बहुत ही डार्क है, इन लोगों को उस एससीपी 173 ने मार दिया था। दोनों बंदों को आँख एक साथ बंद नहीं करना था, एक छोटा सा काम इन लोगों से नहीं होता, पर हम लोग बच चुके हैं क्योंकि ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो आँख बंद कर चुका था, हम लोग उसके सामने खड़े थे, पर फिर भी हम लोग बच गए। बस आँख बंद करने का गेम है। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, नीचे वो एससीपी खड़ा है, ये रहा एक डॉक्टर जो कि मरने वाला है। टास्क फोर्स के मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते एससीपी के सामने। ओके, ये अपन नीचे है, पर हमें आँख बंद नहीं करना, हमें आँख बंद करने से पहले उस लीवर मतलब उस लेवल पे नोटिस करना पड़ेगा हमेशा। अब हम लोग जो है इस जगह को छोड़ के निकलने वाले हैं एससीपी के नरक में। ये एक्चुअली एक हॉरर गेम है, पर एससीपी 682 का साउंड है, ये पूरा बिल्डिंग हिल रहा है। हमें की कार्ड भी चाहिए। ओ माई गॉड, प्लीज नो। अच्छा, मोशन ब्लर ऑन है, एक सेकेंड, कभी भी मोशन ब्लर को ऑन मत करना, उल्टी आएगा बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, ये एससीपी बिल्कुल इस दरवाजे के पीछे खड़ा है, ये दरवाजे को खोल नहीं सकता आईडी मेंबर। देखना पड़ेगा हमें की कार्ड कहाँ से मिलता है। इस गेम में मेन की कार्ड मतलब सबसे पावरफुल की कार्ड था ओमनी कार्ड, आई थिंक ये लेवल फाइव का भी की कार्ड होता है, पर वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ओमनी कार्ड एक कार्ड से हम लोग सारे दरवाजों को खोल सकते हैं। प्लीज़ नहीं, तो मुझे ख्याल रखना पड़ेगा जब भी मैं दरवाजे को खोलता हूँ तो मेरे आँख का ये जो लीवर है लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, वरना ये पता नहीं कब क्या कर दे। तो ये चाहता है कि मैं इस दरवाजे को खोलूं ताकि ये घर के अंदर आए, तो मुझे शायद ऐसा ही करना पड़ेगा अगर मैं इस घर से निकलना चाहता हूं तो। ऑलराइट, आ जाए इस घर के अंदर, तो मैं इसे इस घर के अंदर बुलाऊंगा ताकि, देखो मैं इसके आई कॉन्टैक्ट नहीं तोड़ रहा ताकि ये मेरे सामने आ जाए। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है, मुझे भागना पड़ेगा। नहीं भागना पड़ेगा, मेरा आँख बंद होने वाला है। आई एम लुकिंग एट यू ब्रो, आप दरवाजे को बंद करो। यस, हम लोग ऐसे खेलते हैं। और ये देखो ऊपर से
SCP-106 जो कि डायमेंशन के बीच से इसे फेंक रहा है। मतलब बहुत सारे SCP निकल चुके हैं इस जगह से, कंटेनमेंट ब्रिज हो चुका है, अब हमें जल्दी से की कार्ड से इस जगह से निकलना पड़ेगा। ये इतना कुछ आसान होने वाला है नहीं, स्पेशली SCP-096 जो कि हमारे जीना को मुश्किल कर देगा। इन रूम्स में SCPs है पर हमें की कार्ड चाहिए इनको खोलने के लिए। मामूली SCPs है वरना SCP ऐसे रूम्स में नहीं रहते। व्हाट द हेल। अच्छा, माइक से कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यह पर एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका है। SCP का जो ये सिक्योरिटी होता है ये दुनिया का सबसे सिक्योर जगह होता है, पर अभी ये नहीं है। ऑल राइट, आई होप कि रियलिटी में भी ऐसा कुछ होगा, हो भी सकता है किसे पता। अगर होता है तो हम लोग बड़ी मुसीबत में। एक्चुअली यह पर एक टास्क फोर्स का जो ये मेंबर है ये मरा पड़ा है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली भूल चुका हूँ। मैंने सोचा था मैं इस गेम को जल्दी ख़त्म करूँगा, बट एनीवेज देखते हैं कितना टाइम लगता है। दरवाजे को खोलने से पहले हमें अपने आँख को एक बार बंद करना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स सी इस दरवाजे के पीछे कौन है। कोई भी सरप्राइज दे सकता है हमें। कुछ नहीं, कोई नहीं, खून पड़ा है ऊपर से, बस कोई नहीं। हम लोग बस दरवाजे को खोलेंगे। एक नेविगेटर हमें मिलता है रिमेंबर, उससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाना चाहिए। मैं बस घूम रहा हूँ, मुझे बस एक एलिवेटर चाहिए ताकि मैं नीचे जा सकूँ। नीचे कुछ SCP-939 या कुछ और थे। SCP के नंबर्स को याद रखना एक्चुअली इतना भी कुछ खास मुश्किल है नहीं, पढ़ाई से तो ज़्यादा आसान है ही, क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऑलराइट, लेट्स सी। मैं पता नहीं लास्ट मैंने इस गेम को कब खेला था, तब फिर भी। अच्छा, तो यहाँ पर एक सेव पॉइंट है, चेक पॉइंट है, तो हमें यहाँ पर एक लेवल 3 का की कार्ड चाहिए। यहाँ पर एक एनिमेट्रॉनिक्स एक टेडी बियर है, ये एक SCP है एक्चुअली, पर इसके पास हमें नहीं जाना। इसके पास अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ईयर्स उगेंगे, मतलब कान बॉडी में उगने लगेंगे, मतलब हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब समझो बस हमारे बॉडी में हर जगह से कान उगने लगेंगे, ऐसे कुछ सीन है। तो SCP बहुत ही डेंजरस होते हैं, तो हम लोगों को उनके पास नहीं जाना, ऑफकोर्स आपको पता होगा। लेट्स सी, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेन दिक्कत ऐसा ही है, कुछ समझ नहीं आता। ओ माय गॉड, दरवाज़ा बंद करो, इसीलिए साउंड आया था, मतलब पत्थर का घसीटने का साउंड आया था हमें। तो लेट्स सी, मुझे एक एलिवेटर को ढूंढना पड़ेगा आई मेंबर, पर मुझे मिल नहीं रहा। ऑफकोर्स मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से। यह पर शायद हमें कुछ मिले, सेफ SCP-1123, पर इसके लिए हमें एक और की कार्ड चाहिए। सेफ को भी खोलने के लिए की कार्ड चाहिए होता है हमें। यह पर एक स्कल है जिस स्कल से हम लोग टेलीपोर्ट कर सकते हैं, पर अभी नहीं, हमें एक की कार्ड चाहिए ताकि हम लोग इस स्कल को यूज़ कर सके। कोई भी SCP सेफ नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं चाहिए। हमें एक गैस मास्क मिल चुका है, अगर हम लोग इस गैस मास्क को इम्प्रूव करते हैं तो हम लोग इन्फिनिट स्टैमिना को ले सकेंगे। आई रिमेंबर दिस, वेरी यूजफुल चीज़ है ये। इसके पीछे कोई है नहीं, कोई भी कभी भी किसी भी दरवाजे के पीछे आ सकता है। बहुत काम करना पड़ेगा हमें। SCP-106 को भी की कार्ड चाहिए, पर हमें SCP-106 को भी कैद करना पड़ेगा। लेट्स सी मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। आई थिंक कि मैं एलिवेटर के सामने पहुँच चुका हूँ, अब बस हमें नीचे जाना पड़ेगा। लेट्स गो। नीचे दो मेमिक एनिमेट्रॉनिक्स, मैं क्यों कहता हूँ मुझे नहीं पता, नीचे दो मतलब हमारे वॉइस को कॉपी करने वाले SCPs है, उनसे भी हमें बच के निकलना पड़ेगा। लेट्स सी। सो गाइस, मुझे पता है मेरा कमेंट्री थोड़ा बहुत ख़राब है, क्योंकि मैं घर में इतना बात नहीं करता और एक साथ इतना बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो सामने जाने के लिए हमें गैस मास्क को पहनना पड़ेगा, वरना ये गैस हमारे स्टैमिना को बहुत जल्दी ड्रेन करेगा। स्टैमिना को नहीं, मतलब हम लोग बार बार आँख बंद करेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग इस जगह में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ SCPs है, मैं एनिमेट्रॉनिक्स कहने वाला था, और यहाँ पर वो SCP-173 कभी भी आ सकता है। एक हाथ मिल चुका है हमें, कटा हुआ हाथ, और यह पास हमें मिलेगा नाइट विजन। ओ माई गॉड, भागो, सो योर सेल्फ, पर हम लोग नहीं दिखाएंगे। ये लोग हमारे वॉइस को कॉपी कर रहे हैं, इनके पास हमें बिल्कुल भी नहीं जाना। ये लोग बहुत ही डेंजरस एग्रेसिव एनिमेट्रॉनिक्स है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करो। मेरा गूगल प्ले का लेवल अप हो चुका है, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवेज लेट्स सी। अच्छा, मैंने इस गेम को पहले, अच्छा मैंने इस मोबाइल में नहीं खेला था, और ये अकाउंट डिफरेंट है, इसलिए SCP के अचीवमेंट्स अनलॉक हो रहे हैं। आई होप मैं इससे किस निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर एक और ऐसा है SCP-939। ये लोग बेसमेंट में फ्री हो चुके हैं। ये जो कंटेनर्स है इसके अंदर SCPs होते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर एक और हमें SCP मिलेगा देखने के लिए, पता नहीं कहाँ पर होगा। ये लोग देख नहीं सकते, ये लोग ब्लाइंड होते हैं, पर ये लोग बहुत तेज सुन सकते हैं। देखो बस, ये लोग बात भी कर सकते हैं एक इंसान के पूरे वॉइस में। ये लोग ऐसे शिकार करते हैं इंसानों को, मतलब बुलाते हैं बहुत ही अच्छे से इंसान के वॉइस में। व्हाट द हेल, मुझे लगा मेरे पीछे से वो आ रहा है। अगर वो उस साइड में जाता है तो हम लोग इस जगह से जाएंगे। मुझे नहीं पता ये कहाँ पर है। अब हम लोग इस जगह से जा सकते हैं। कुछ नहीं है, ये लोग डरते भी है एक्चुअली। ये लोगों को, इन SCPs को मारा जा सकता है। कुछ SCP जो है वो बिल्कुल नहीं मरते, पर ये लोग मरते हैं। मेरे पास हेल्थ का कुछ आइटम वगैरह है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा, और मेरा व्यू डिस्टेंस बड़ा कम है, इसलिए जो है सब कुछ ब्लैक हो रहा है। ये गेम फ्री है, आई एम सो हैप्पी एक्चुअली।
जा भाई सामने जा, मुझे एक दरवाजे के लीवर को खोलना पड़ेगा जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। इसको खोलने के बाद हम लोग जा सकते हैं इस जगह से एक बिल्डिंग के एक और साइड में। लेट्स सी कहाँ पर किस जगह का दरवाज़ा खुला मुझे देखना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी याद नहीं कहाँ का दरवाज़ा खुला, अगर याद होता तो ये गेम कितना आसान होता। मैं अब रिग्रेट कर रहा हूँ भूलने का। मैंने इस गेम को शायद एक साल पहले खेला था, लिटरली एक साल पहले। अब देखना पड़ेगा, हाँ पूरा घूम के जाना पड़ेगा अभी हमें उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब जो है वो STP-173 भी शायद इस जगह में आ चुका होगा। मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर लिया, मैं भाग नहीं सकता क्योंकि भागने से जो है, ओ माय गॉड प्लीज़ यहाँ पर मत आना। नो नो नो, ये भी मुझसे थोड़ा सा डरा हुआ है, इसे नहीं पता। बड़े बड़े SCPs जो है इन छोटे छोटे SCPs को मार सकते हैं, ये लोग ग्रुप में शिकार करते हैं। ये क्यों आ रहा है यहाँ पर प्लीज़ सर? यहाँ पर कोई नहीं है, हाँ ये जा चुका है। अब हम लोग जो है शांति से इस साइड से जा सकते हैं। आई होप STP-173 मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे बस अभी लौटना पड़ेगा ताकि मैं, व्हाट द हेल भाई, इन लोगों को क्या दिक्कत है आई डोंट अंडरस्टैंड। एक अच्छे खासे जगह में हम लोग खेल रहे हैं, मतलब बहुत ही नाइटमेयर टाइप का जगह में, और ये लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। तो हमें जो है अभी लौटना पड़ेगा, लेट्स गो। इस लिफ्ट से हमें लौटना पड़ेगा। मैंने बस एक लीवर को ओपन कर दिया जिससे इस बिल्डिंग का एक और पार्ट ओपन हो जाएगा। लेट्स गो। क्या मुझे यहाँ से निकलना था या फिर एक और एलिवेटर हमें मिलता जहाँ से हम लोग, नहीं हम लोगों को यहाँ से नहीं निकलना था, मुझे यहाँ पर नहीं आना था क्योंकि मुझे किसी एक कोने से एक और एलिवेटर मिलता जहाँ से मैं बिल्डिंग के एक और अलग साइड में जा सकता था। नाइट विजन हमारे पास है जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। नाइट विजन में बैटरीज भी लगते हैं, पर अगर हम लोग इसे अपग्रेड करते हैं तो इसमें बैटरीज नहीं लगेंगे। कौन कहाँ पर है मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। ग्रास मास्क को हटाते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, हम लोग बस धीरे से निकल जाएंगे। मुझे एक्चुअली बिल्कुल भी याद नहीं कौन सा दरवाज़ा खुला। क्या ये क्या, व्हाट, मैं नीचे गिर गया? अच्छा मैं नीचे गिर गया, कैसे मैं नीचे गिर गया किसी तरह से? यहाँ पर एक एलिवेटर को होना चाहिए था आई रिमेंबर, पर नहीं है। हम लोग एक और बार गेम को लोड करते हैं, हम लोगों ने गेम को सेव ही नहीं किया था। आर यू सीरियस? तो मुझे लिटरली सब कुछ दोबारा करना पड़ा, कैन यू बिलीव दिस? और ऊपर से ये साउंड जो आपको आ रहा है इसे प्लीज़ इग्नोर कर देना, पता नहीं कौन बैकग्राउंड में ड्रिल चला रहा है। तो मुझे इस लीवर को ऑन करना था, मैंने ऑन कर दिया। अब मुझे देखना पड़ेगा किस दरवाजे से मैं निकल सकता हूँ। एक दरवाज़ा अनलॉक होता है आई रिमेंबर, और ऊपर से मैं सेफ मोड में खेल रहा हूँ तो इनसे इतना डरने का कोई बात है नहीं। कुछ नहीं, मैं तुझसे बड़ा डरावना चीज़ हूँ तो प्लीज़ मेरे पास मत आना। तो मुझे शायद इस साइड से निकलना पड़ेगा। ऊपर से इस बार मेरे पास गैस मास्क नहीं है, हाँ मुझे इस साइड से निकलना था। मैं पिछली बार बेवकूफ़ों की तरह सामने चला गया था, मुझे एक्चुअली ठीक से याद नहीं, इसलिए मैंने ऐसा हरकत किया था। यहाँ पर एक और वो चीज़ है जिससे हमें बच के बस एक लिफ्ट में जाना पड़ेगा, वो इस साइड में है। हम लोग चुपके से निकल लेते हैं। एक सेकेंड, मुझे गेम को सेव करना पड़ेगा। ये मैनुअली सेव करना बड़ा अनोइंग है। ओह माय गॉड, तो इसे हम लोगों को ऑन करना पड़ेगा। प्लीज़ ऑन हो जा भाई। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। व्हाट द हेल, ये हमसे डर रहा है एक्चुअली। There you are. No, I'm not here. Please. तो मुझे एक लीवर को ऑन करना पड़ेगा, पर किसी एक रीज़न से मैं उस लीवर को ऑन कर नहीं पा रहा जिससे ये दरवाज़ा खुलेगा। एक सेकंड, हम लोग इसे शायद ऐसे भी खोल सकते हैं, पता नहीं किस चीज़ का लीवर था। ये कॉल द एलिवेटर, तो जल्दी से हम लोग इस एलिवेटर के अंदर चलते हैं। लेट्स सी, एक साल लगते हैं इसे आने में आई रिमेंबर, इसलिए मैं शायद गिर गया था लास्ट टाइम, पर मुझे पता नहीं था हम लोग गिर भी सकते हैं। अब हम लोग जो है फाइनली इस जगह से निकल रहे हैं, तो हम लोग गेम को एक बार सेव कर लेते हैं। आई डोंट नो बाहर कौन हमें मिलेगा, तो थोड़ा सा हम लोग आँख को बंद कर लेते हैं एक बार, पता नहीं वो शायद हमारे बिल्कुल सामने मिल जाए। नहीं है सामने। ऑलराइट, तो हम लोग बिल्डिंग के एक और साइड में आ चुके हैं। मुझे अभी तक कोई की कार्ड नहीं मिला जिससे मैं अपग्रेड कर सकूं, पर अपग्रेड करने वाला STP भी मुझे नहीं मिला। तो अभी तक हम लोग बहुत ही खराब प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग नाइट विजन को चार्ज कर लेते हैं, एक सेकेंड चार्ज कर लेते हैं, अब हम लोग जो नाइट विजन का यूज़ कर सकेंगे। पर अभी हमें यूज़ नहीं करना क्योंकि इसका बैटरी वेस्ट होगा फालतू में। लेट्स सी, अभी हम लोग सामने जाने के लिए रेडी है। सामने से शायद हमें एक Level 1 का की कार्ड मिल सकता है। यस, Level 1 की कार्ड जिसका कोई काम नहीं है। और एक चीज़ शायद आपको नहीं पता, ये जो दरवाजे है ये भी एक STP है, मतलब हम लोग अगर चलते रहेंगे तो बस हम लोग चलते ही रहेंगे। रिकर्सिव स्पेशल फिनोमिनन, अच्छा तो हम लोग बस चलते ही रहेंगे, मैंने जैसा कहा था। तो अभी हम लोग जो है इस साइड में चलते हैं, हमारा गेम को एक बार हम लोग सेव कर लेते हैं क्योंकि मैं बार बार सेव करके अपने गलती को दोहराना नहीं चाहता। एनीवेज, तो हम लोग अभी एक और अजीब से साइड में आ चुके हैं, पर इस साइड में मुझे गैस मास्क का बड़ा ज़रूरत पड़ेगा रिमेंबर, तो मेरे पास अभी गैस मास्क है नहीं। अब जो है हमें जल्दी से दरवाजे को खोल के इस गैस के जगह से निकलना पड़ेगा। लेट्स सी,
1, 2, 3 कहाँ का दरवाज़ा खुला? एक बार खुलता है और बंद भी हो जाता है बहुत जल्दी। कहाँ? ओ माई गॉड, आर यू सीरियस? अब शायद मुझे वापस से लौटना पड़ेगा, पर मैं शायद लौट नहीं सकता, या फिर नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर? मैं लेट हो गया थोड़ा सा। तो हम लोग सामने चलते हैं एक बार, और अभी हमें जो है जल्दी से बस भागना पड़ेगा इसको दरवाजे को खोलने के बाद। रन 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 रन। ऑल राइट, अभी नहीं, हम लोग निकल चुके हैं इस साइड से। अब जो है हम लोग बिल्डिंग के एक और अजीब से साइड में आ चुके हैं। लेट्स सी, इसके पीछे कौन है? मुझे स्क्रीन को नहीं देखना प्लीज़, स्क्रीन को छोड़ दे भाई, स्क्रीन को मुझे नहीं देखना, उसे छोड़ भाई। देखा, मतलब ये स्क्रीन की तरह लगा रहता है। आई थिंक कोई एससीपी है जो अगर फंस चुका है, आई डोंट नो, और इसे स्क्रीन को क्यों देखना है। सामने चलते हैं बस, हम लोग उस जगह से निकल चुके हैं, बस हम लोग भागते हैं अभी। इस दरवाजे के पीछे कोई भी हो सकता है, आई मीन SCP-173, पर वो नहीं है लकीली। एक बार आँख को बंद कर लेते हैं। की कार्ड तो हमारे पास लेवल वन का, एक सेकेंड, लेवल वन का की कार्ड कहाँ पर गया? आई डोंट नो, पर हमें शायद लौटना पड़ेगा, पर मैं लौटना नहीं चाहता। मैंने पता नहीं कहाँ पर लास्ट सेव किया था, एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पर। लेवल वन का की कार्ड हमें कहीं से भी मिल सकता है, उसका कोई चिंता हमें है नहीं। बस हमें लेवल 2 या 3 का की कार्ड चाहिए जिससे हम लोग अपग्रेड कर सकेंगे। कोई है? कोई नहीं। मैं बस एक भूल भुलैया में घूम तो चाह रहा हूँ। ये गेम एक्चुअली एक बहुत बड़ा भूल भुलैया है। बस मैं बिल्डिंग के अंदर यहाँ से वह तक घूम रहा हूँ। तो हम लोग जब अंडरग्राउंड में गए थे, उससे हम लोग बिल्डिंग के एक और साइड में आ चुके हैं। इस साइड में कुछ नए एससीपीज और नए चीज़ें हैं ऑफकोर्स। ये पर क्या है? ये SCP-012 यूक्लिड। तो ये कुछ सेफ नहीं है, की कार्ड चाहिए ऑफकोर्स, पर हम लोग इसके अंदर जाएंगे नहीं। हम लोग SCPs को देख भी सकते हैं। ओ माई गॉड, देखा आप लोगों ने, बिल्कुल सामने खड़ा था। हम लोग दरवाजे को बंद करके निकलते हैं। ये अपने आप दरवाज़ा खोल सकता है, पर इसे कुछ टाइम लगता है, तब तक हम लोग भाग जाएंगे। टैक्सी, ये बड़े इलेक्ट्रिक शॉक जगह है जिससे ये ज़ॉम्बीफाइड चीज़ें नहीं आ सकते। हमें भागना पड़ेगा इसके ऊपर से। एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि मुझसे एक बारी में शायद नहीं होगा। भागो, नहीं मैंने कहा था एक बारी में मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा, देन एक सेकेंड बाद मुझे भागना पड़ेगा। एक तो मेरा कमेंट्री बिगड़ा हुआ ही था, ऊपर से कुछ टाइम तक मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए और बिगड़ गया। अब मुझे भागना पड़ेगा, ठीक है हम लोग। आर यू सीरियस? मेरा पैर फंस गया। तो हमें भागना पड़ेगा सामने, ऐसे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक ऑन करो एंड देन भागो। यस, हम लोग निकल चुके हैं। इस बार हम लोग गेम को अच्छे से सेव करेंगे। अब जो है हमें इस जगह से निकलना पड़ेगा। कोई है? कोई नहीं है, अच्छी बात है। तो अभी जो हम लोग हेवी कंटेनमेंट जोन में नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस SCPs जैसे SCP-106, SCP-096 वो सब मिलते हैं। यहाँ पर हमें SCP-049 मिलेगा, जो कि एक प्लेग डॉक्टर है, पर अभी वो आया नहीं है। ऑफकोर्स ये गेम का मैप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने गेम को दोबारा से लोड किया था। कैन यू बिलीव गाइस, मैंने इस गेम को दोबारा खेला। ओ माई गॉड, नहीं मुझे इस रूम के अंदर नहीं जाना। ये जो सिंड्रम है, मतलब यहाँ पर एक SCP है जो कि हमें पोजेस कर सकता है। यहाँ पर एक स्क्रीन है जिसके अंदर साथ हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें नहीं चाहिए ऑफकोर्स। तो हम लोग सामने चलते हैं बस। यस, हमें इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा, पर ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अच्छी बात है। तो हमें लौटना पड़ेगा पीछे, उस दरवाजे को हमें अभी खोलना पड़ेगा। इस साइड में तो कुछ खास था नहीं, तो हम लोग इस जगह को एक बार सेव कर लेते हैं। अब हम लोग सामने चलते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कुछ है या नहीं। यहाँ पर हेवी कंटेनमेंट जोन है, द आर्किटेक्ट। तो ये इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। मैं शायद घूम फिर के कहीं अजीब से जगह में आ चुका हूँ। यहाँ पर एक और दरवाज़ा है, लेट्स सी यहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक और एलिवेटर है जिसके अंदर कुछ डेड बॉडीज मिलेंगे हमें। हाँ, बस खून है, डेड बॉडीज नहीं है। पता नहीं किसने इनको मारा होगा। लेट्स सी इस दरवाज़े के पीछे अब क्या है। इस पैटर्न को हमें याद रखना पड़ेगा, किस दरवाज़े को मैं खोल रहा हूँ, किसको नहीं खोल रहा। तो इस साइड में हम लोग जा नहीं सकते, हमें सामने ही जाना पड़ेगा। एक बार हम लोग गेम को सेव कर लेते हैं। पता नहीं मैं कितने बड़े वीडियो को बना रहा हूँ। एनीवेज, लेट्स सी हम लोग जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये गेम ज़्यादा कुछ लंबा है नहीं, एक घंटा लेंथ होगा इस गेम का मैक्सिमम। पर एनीवेज, लेट्स सी, हमें एक लेवल की वन का की कार्ड मिला था, पर शायद ओ माई गॉड, ये पर हम लोग गेम को सेव करते हैं। ये SCP सबसे हेल्पफुल SCP है इस SCP के दुनिया में, मतलब इस गेम में, SCP-914। इसके अंदर हम लोग किसी भी की कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, पर इसको खोलने के लिए हमें लेवल 1 का की कार्ड चाहिए। होता काश मेरे पास लेवल 1 का की कार्ड होता, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया कहीं पर। ये पर कहीं पर मिल सकता है क्या लेवल 1 का की कार्ड? ये पर वही सेव SCP है, इसे भी हम लोग लेवल 1 के की कार्ड से खोल सकते थे। पर यह पर एक्चुअली हमें गैस मास्क मिलता है, पर कोई की कार्ड नहीं मिलता। गैस मास्क हमें मिल चुका है, जो कि हमें बाद में कभी काम आएगा।
लेट्स सी लेवल वन के की कार्ड को हम लोग कहाँ से ले सकते हैं। एक्चुअली उस रूम के अंदर हमें लेवल वन का की कार्ड मिल सकता है, पर वो रूम एक्चुअली लॉक है। मैंने बहुत बड़ा गलती किया था, अब मुझे शायद पूरा घूम के जाना पड़ेगा। आई डोंट नो ये कौन सा एसटीपी है, एसटीपी 178 यूक्लिड। तो इसके अंदर हमें नहीं जाना, हम लोग जा भी नहीं सकते। यह पर बस दो लाइट्स है, जो लाइट्स हमें हिप्नोटाइज कर सकते हैं। बहुत ही डेंजरस चीज़ है, पर यह पर जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। अंदर और भी डेंजरस चीज़ें हमें देखने को मिलेंगे। एसटीपी 1162 यह पर एक सिगरेट होल है, जिसके अंदर से हमें कुछ और मिलेंगे। यह पर एक और हैवी कंटेनमेंट जोन, इसके अंदर जाने के लिए हमें लेवल 3 का की कार्ड चाहिए। तो मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है कि मैं पूरा घूम के जाऊँ, जाके उस लेवल 1 के की कार्ड को लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पर कोई और ऑप्शन तो मुझे दिख नहीं रहा कि कोई लेवल 1 का की कार्ड मिल जाए किसी दरवाजे के अंदर से। पता नहीं ये कब इतना रेयर हो गया, पहले इतना रेयर नहीं था मुझे जितना याद है। एनीवेज थोड़ा सा भाग के जाना पड़ेगा हमें, पर मुझे डर है उस एसटीपी 173 का। ऑफकोर्स हम लोग ईजी मोड में खेल रहे हैं, पर फिर भी आई थिंक हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उसके पास, पर मुझे उस गैस के दरवाजे के अंदर से वापस से जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ जब तक मेरा स्टैमिना थोड़ा सा फिल नहीं हो जाता, देन हम लोग जाएंगे इसके ऊपर से। जल्दी, आर यू सीरियस? मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ को। अब जो है हम लोग जा सकते हैं इस जगह में। अब ये आता भी है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा स्टैमिना थोड़ा सा फिल नहीं हो जाता। मैं नहीं चाहता ये हमारे गर्दन को मरोड़ दे अभी, तो हम लोग सेव कर लेते हैं गेम को एक बार। ये पार्ट इतना मुश्किल कब था यार, थोड़ा सा पेशेंट बना। मैं और नहीं खेलूँगा इस गेम को, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। मैं लेवल 1 के की कार्ड को लेने जा रहा था, पर मैं उस मिशन में कभी सक्सेसफुल हो नहीं सका। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम लोग 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे, वह पर हम लोग हैवी कंटेनमेंट जोन को अनलॉक करेंगे और इससे भी 096 से बचेंगे। मैं ये बात को प्रॉमिस करता हूँ, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। एनीवेज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।